हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BNM कीर्ति ब्लॉग्स पर। सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखिए, हम भी नहा लिए हैं और बाबू को गोदी लिए हुए हैं, बाबू को भी फ्रेश कर दिए हैं। और बाबू है कि घूमने के लिए जिद कर रहा है, तो इसलिए गोदी लिए हुए हैं इसको शांत करने के लिए, लेकिन शांत ही नहीं हो रहा है, इधर उधर बस देखते रह रहा है। और अब माँ ले ली है बाबू को। वैसे आज हम लोग को घर जाना है, बाबू के दादा दादी आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए, इसलिए आज माँ भी थोड़ा उदास लग रही है, क्योंकि हम लोग उतना दिन घर में रुके और आज जाने वाले हैं घर। तो बाबू को गोदी ली हुई है और थोड़ा सोच रही है कि आज तो हम लोग चले जाएंगे तो थोड़ा अकेलापन लगेगा उतना दिन के बाद। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड एकदम रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। और इधर देखिए हम लोग का सारा सामान भी तैयार हो गया है, जो जो सामान लेके जाना है। हम लोग का कपड़ा है, बाबू का कपड़ा, और भी सामान सब है जो मम्मी भेज दे रही है। बाबू का बहुत सारा सामान हो गया है और हम लोग का भी ज़्यादा सामान हो गया है अब घर ले जाने के लिए। माँ और चाची बाबू को सुलाने का कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, खाना उना देना होगा मेहमान लोग को, और भी सब काम है इसलिए। और यहाँ पे बाबू के दादा दादी लोग खाना उना खा रहे हैं, आए वो हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि तब थोड़ा बिजी हो गए थे, इस वजह से तब खाना उना खाया जा रहा है सब कोई। और यहाँ फूल का पेड़ के पास देखिए, बाबू और बाबू के पापा, मम्मी और भतीजा सब यहाँ पे खेल रहा है। बाबू और मेरे भतीजा को एक दूसरे को हाथ मिलाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आज तो बाबू चला जाएगा इसलिए। और उधर में पापा बैठे हुए हैं। और ये सारे कपड़े हैं बाबू के और मेरे, और कुछ देने के लिए, क्योंकि बाबू के दादा दादी लोग आए हैं लेने के लिए, तो उन लोगों को भी कपड़ा उपड़ा देना है इसलिए। और इधर बाबू का है रेडी करने के लिए, जो सब यूज हो रहा था वो सब भी भर दिए हैं, क्योंकि घर जाने के बाद भी यूज होगा। बाबू का सूज भी देखिए। और हम भी तैयार हो चुके हैं और पूरा घर को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हम लोग का सब एक ही जगह पे उठना बैठना सब एक ही साथ रहते थे, तो इसलिए पूरा घर को पूरा मिस करेंगे, सबको मिस करेंगे, इसलिए पूरा घर को हम एक बार देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबको रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं। बाबू की दादी है और मामी है, तो मम्मी पापा बड़ी माँ लोग सब कोई आई हुए है हम लोग को विदाई करने के लिए, चाची लोग सब, और हम लोग निकल रहे हैं। और आज पापा ये बहुत उदास लग रहे थे और पूरा शक्ल सब भी ऊपरा उतरा हुआ है, और देखिए पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बाबू को सब कोई मिस करेगा। और बाबू को गोदी ली हुई है हम लोग की बहू, बाबू के मामी और पापा भी हैं। तो हम लोग का गाड़ी भी लग गया है और हम लोग को भी बोला जा रहा है कि जल्दी जल्दी करो थोड़ा। और पापा को देखिए बाहर में भी बाबू को हवा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी लग रहा है इसलिए। नाना नानी का प्यार कुछ ज़्यादा ही होता है अपना नाती पोता के लिए, तो इसलिए हवा कर रहे हैं। और मम्मी ले ली है बाबू, और हम जल्दी जल्दी सबको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम भी काफ़ी हो रहा था और जल्दी निकलना भी था, बहुत लॉन्ग टूर हो जा रहा था हम लोग का इसलिए। और बहुत दूर का रास्ता है हम लोग का, वैसे 150 किलोमीटर पड़ता है। तो सब प्रणाम वगैरह हो गया है, मामा पापा लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, और बाबू को माँ गोदी ले ली है। बाबू भी थोड़ा सा आज उदास है, पता नहीं, शायद उसको भी पता चल गया है कि आज हम जाएंगे नाना नानी को छोड़ के। और इधर बाबू के दादाजी और पापा एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, और सब कोई खड़े हैं हम लोग, जल्दी जल्दी वैसे बैठना है हम लोग को। और मामा देखिए गाड़ी में बैठ रहे हैं, और बाकी हम लोग भी जल्दी जल्दी सब चढ़ेंगे। और हम लोग अब निकल चुके हैं, हाईवे भी पकड़ लिए हैं, और देखिए हाईवे एकदम इस तरह से पूरा धूप दे रहा था, अब बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा था, तो हम लोग का गाड़ी अब चल पड़ा है घर की ओर। हम लोग आते आते
हॉस्टल में घुस लिए थे। वहाँ पे बाबू की बुआ रहती है हॉस्टल में, तो हम लोग सोचे कि मिल भी लेंगे और हालचाल थोड़ा देख भी लेंगे, क्योंकि जब से हॉस्टल गई थी तो हम लोग मिले भी नहीं थे, कोई घर से भी गया भी नहीं था। और हम लोग तो वहीं पे थे काफ़ी दिन से बाबू का मामा घर में, इस वजह से, तो इसीलिए हम लोग वहाँ भी घुस लिए थे। तो बाबू को सब कोई बहुत प्यार कर रहा था। और हॉस्टल से भी हम लोग निकल गए हैं और फिर से हाईवे पकड़ लिए हैं। हम लोग रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट में घुसे और वहाँ पे हम लोग खा रहे थे, क्योंकि घर जाते तो 11-12 बज जाता है, इसीलिए हम लोग रास्ते में ही मतलब ऑर्डर किए और खाने लग गए सबको। तो यहाँ से खाने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे घर। अब रेस्टोरेंट से निकल गए हैं घर की ओर और बस अब सीधा चलते जाना है, कहीं रुकना नहीं है। और रात तो बहुत हो गया है और बस अब हाईवे ही जाना है। तो हम लोग का घर पहुंचते 11-12 बज ही जाएगा, तो इसीलिए अब वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को बाय और सब अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।